मशाल जलने वाली है। आई एम आउट। हेलो एवरीवन, तो कोई भी वीडियो स्किप मत करना क्योंकि 5-6 मिनट का पार्ट आपका एक्टिविटीज़ का है। स्पोर्ट्स स्टार्ट होने से पहले एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका परेड होना और ओलंपिक ओथ थी और राष्ट्रगान था, तो मतलब 3-4 कुछ चीज़ ऐसी हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। व्लॉग तो है नहीं वैसे, हां तो जो भी आज है स्पोर्ट्स डे, तो हम क्या करेंगे, बस सारी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें मर्ज करेंगे और डाल देंगे और आप लोग एंजॉय करना स्पोर्ट्स डे को। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं रहूंगा, बस मैं तेरे साथ रहूंगा कैमरामैन बनकर। और अभी भैया की दार्जिलिंग वाले व्लॉग की भी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई। अरे मैं काम करूंगा ना, मैं दार्जिलिंग का जो व्लॉग होगा ना, इनकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा क्योंकि यार अब हमें पता है, क्योंकि वो पेंडिंग हो गए बीच में, तो अभी जरूरी है क्योंकि फंक्शन है यार, मैं भी घर पे ही हूँ, तो ये मैंने उसे रिकॉर्ड ही कर लूँ और स्टूडेंट्स के लिए बिजी रहेगा, वो अपनी वीडियो देख लेंगे, व्यूज भी तो छाप रहे हैं ना भाई। देखो बच्चे यार मेहनत कर रहे, वेलकम लिख रहे, देखो मैं दिखाता हूँ, नेताओ जी ज्ञान दे रहे। एक और गिरेगा इससे, तो अपने हिसाब की लाइन बना रहे कि ना, यहाँ से जो पतला सा लाइन भी पतली थी भाई, इसको रखिए पीछे, पहले सेल्फी वाले कैमरे से एक फोटो खींच दो, हमारी खींच दो, खींच दो ना जल्दी। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और अब हम जाने लग रहे, मशाल जलने वाली है, अब हम बाहर जाने वाली है और हम वीडियो बना रहे। देश का भविष्य सुरक्षित है, तो मेरे आप सभी बच्चों से ये हाथ जोड़ के विनती है, अब सब बच्चे ग्राउंड में ही आ रहे हैं, अभी बाहर प्रैक्टिस चल रही है वहाँ पे, देखो तो जिनसे प्रैक्टिस करा रहे हैं अभी। मैं कबीर में नहीं करता। कबीर मना कर रहे हैं? मना क्यों कर रहा भाई? अरे वो पकड़ूंगा, वो भी करूंगा यार, सब करेंगे, फिर वहाँ से भागा हुआ कौन जाएगा, वो सबसे पीछे रहेगा। गिव अप, गिव अप कर दिया तुमने? हां जी कर दिया, आई एम आउट। अच्छा ठीक है। रुद्र क्या हो रहा है भाई? ये है डिसिप्लिन वाले बच्चे, जो मार्च पास्ट होगा ना, तो अच्छा, जो चीफ गेस्ट हैं उनके सामने डिसिप्लिन वाले चलेंगे। अच्छा, मतलब जो बच्चे डिसिप्लिन ना वो चलेंगे सर, हमारे जैसे। अच्छा, बाकी तो क्लास में ही नारे लगा देंगे आज भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपसे निवेदन है कि आप माँ सरस्वती का नमन करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए स्टेज पर आए। अब सब बच्चे हाउस वाइज मार्च पास्ट करते हुए स्टेज तक पहुंचेंगे, उसके बाद मशाल प्रज्वलन करेंगे और आगे के कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। अब नेशनल एंथम होगा, गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, एक ऐसे देश पर जिस पर लाखों बार भी अगर गर्व किया जाए तो कम है, गर्दन ऊंचे आसमान की ओर देखते हुए और बाद में जोरदार तरीके से जय हिंद बोलेंगे जिससे आसमान गूंज उठे। जय गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंदा।
सिंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी पार्टिसिपेंट जो सामने खड़े हुए हैं ओथ सेरेमनी में भाग लेंगे। ऑल दिस रैंक्स रेडी फॉर ओलंपिक ओथ। वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन दिस स्कूल गेम्स बाय रिस्पेक्टिंग द रूल्स एंड द स्पिरिट ऑफ फेयर प्ले एंड इक्वालिटी। जय हिंद जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वो मशाल प्रज्वलित करने के लिए आए। क्लैपिंग करते रहिए सभी बच्चे। अच्छी निशानी होती है एक प्लेयर की कि वो कोर्ट को नमस्कार करके आगे बढ़ता है। खिलाड़ी आमने सामने हैं। सब सचिन सर का बर्थडे आज तो सब कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख दो। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहली बात तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। गिफ्ट यही है मेरा बस। अरीन मेरा होता है। चल रहा अक्षित भाई आप रिकॉर्ड मतलब क्या बोलते हैं एवरग्रीन के अभी 31 पॉइंट हो चुके हैं और डैफोडिल के 8। एवरग्रीन के 31 और डैफोडिल के 8 फर्स्ट हाफ के बाद। हाँ जी तो मतलब साफ सीधी बात है एवरग्रीन जीत रही है और डैफोडिल हार रही है पर कुछ भी हो सकता है। ये हमें मसाल ये संदेश देती है कि हमें अच्छाई को ऐसे ही प्रज्वलित करके रखना है। अच्छाई को ऐसे ही आगे प्रचारित प्रसारित करते रहना है अपने जीवन में। I'm gonna burn the land.
एवरग्रीन में एक तरफा मुकाबला, डेफोडिल ने कोई संघर्ष नहीं दिखाया जबकि काफी संघर्ष की उम्मीद थी। फाइनल मुकाबला टग ऑफ वॉर के लिए ट्यूनिप एंड एवरग्रीन, प्लीज आइए आप मैदान पर। इस बार लगता है जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले मैच में एवरग्रीन जीती, दोनों टीमों को शुभकामनाएं। एवरग्रीन में टग ऑफ वॉर का, एवरग्रीन और ट्यूलिप के बच्चों में लड़ाई होगी। Come on.
खत्म हो गया भाई सब कुछ और सारे प्राइजेस वगैरह मिल गए बच्चों को। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, हमारे मुंह से पता लग रहा होगा, सारी टैनिंग हो गई देखो फेस पे। तो चलो बस ये दार्जिलिंग वाले ब्लॉग में मिलेंगे आपको जो कि पुरानी सीरीज है। बाय, हम ऐसे कंटिन्यू।